नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो लोग अंदर से आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम हुआ आज, किसके तहत यहां लोग इकट्ठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप नागपाल है जी। संदीप जी, राव सर हनुमानगढ़ जिले से। हमें डेरे में लगभग 10 साल हो गए आते हुए, और मेरे पापा जी ने मस्ताना जी महाराज से नाम लिया हुआ है। डेरे में सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। जी जी, आप आज अंदर क्या क्या प्रोग्राम हुआ है? आज अंदर बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है। डेरे के बारे में बताया गया, साथ सतनाम सिंह महाराज जी का जन्मदिन था आज, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर नशे बुराई, हर बुरे काम के लिए मना किया जाता है। और सबसे बड़ी ये युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सोच है, जो ये छोड़ रहे हैं नशा, ये पूज्य पिताजी संत गुरमीत राम जी इंसा द्वारा चलाई गई है। ये बहुत अच्छी सोच है और हम इसके राय पर चलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है सर। आज अगर हम आज की बात करते हैं, डेरा के अंदर गुरुजी मौजूद नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर डेरा में आ रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आ रहे हैं? नहीं सर, वो बात नहीं है। जैसे ये तो एक अच्छी बात है कि हम बुराई को छोड़ते हैं, इससे पिताजी तो अच्छा ही समझाते हैं हमें, लेकिन आज भी हमें उनके राय पर चलना है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया हुआ है कि नशा नहीं करना या कोई भी गलत कार्य नहीं करना, जिससे कि परिवार को या किसी भी सदस्य को कोई मतलब ठेस ना पहुंचे। इसलिए हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। पिताजी हमें सत्य की राय और सच की राय पर चलना सिखाते हैं और बहुत अच्छे वचन सुनाते हैं। मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था तब नाम ले लिया था पिताजी से, और आज कम से कम मेरे को 10 साल हो गए नाम लिए हुए, तो बहुत अच्छे पिताजी वचन फरमाते थे और बहुत अच्छे हमें सीख देते हैं, और हम हमेशा जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं। बहुत अच्छे बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पिताजी के शिष्य हैं। हमारे वो पिताजी हैं जो सत्य की राय इंडिया में ही नहीं और बाहर भी उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, और बहुत अच्छे इंसान हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, और हम उनकी राय पर चलते हैं। हमें ये गर्व की बात है हमारे लिए। सर, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं जब से आप गुरुजी के साथ जुड़े हो? चेंजेस सर, शुरू से चेंजेस ये, जब से हमने डेरे से नाम लिया है बहुत प्रोग्रेस की है, मतलब कोई भी गलत रास्ते पे नहीं चले। पूज्य पिताजी ने यही सिखाया है कि सही रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलना है, यही कहना चाहते हैं। जी जी, अंदर गुरुजी द्वारा किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? सभी धर्म की। वो कहते हैं कि अंदर सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, आपस में भाई भाई हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। पूज्य गुरुजी को ये एक गलत फैसले में फंसाया गया है, राजनीतिक कारण से सरकार ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए करती है, वोटों के लिए राजनीति है ये राजनीति के कारण पूज्य पिताजी को फंसाया गया, और पूज्य पिताजी जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, हमारा ये विश्वास है। 60 साल की उम्र तक ये बाहर आ जाएंगे, पक्की बात है ये हमारी। लास्ट में सर, का समाज को आज गुरुजी की कितनी जरूरत है? समाज को गुरुजी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी ने 138 मानवता भलाई के कार्य चला रखी हैं, और पूज्य पिताजी के पास लगभग 90 के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज कोई भी एक नेता नहीं है जिसके पास 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, पूज्य पिताजी के पास 90 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो एक दुनिया में एक मिसाल कायम कर रखी है पूज्य पिताजी ने। जी जी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही है कि पूज्य पिताजी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, पूज्य पिताजी को इस संसार में आवश्यकता है, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये वोटों की राजनीति चल रही है, ये राजनीति के कारण सब हुआ है, ये सब जनता जानती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहेंगे कि ये गलत फंसाया गया है और संत गुरु में राजनीति का शिकार हो गए हैं जी, और कोई बात नहीं है जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। आपसे अपील करना चाहते हैं कि ये डेरे का प्रोग्राम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया जाए, पूज्य पिताजी का जो सब कुछ है वो सच दिखाया जाए। जी जी, ये समाज के रहने वाले लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए, ताकि जो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई उन सबको खत्म किया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें।